हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देख लेना। एंड तक देखने के बाद आपको इजीली ये सब क्रिएट करना आ जाएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको HD स्टेटस इजीली मिल जाएगा और इमेज वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी मैं मटेरियल यूज करूंगा, सभी मटेरियल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको XML दोनों XML को एलाडमिशन में इंपोर्ट कर लेना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके एलाडमिशन में इंपोर्ट कर लेना है। एलाडमिशन में इंपोर्ट करने के वक्त अगर एलाडमिशन शो नहीं कर रहा है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, ये वाला एलाडमिशन आपको डाउनलोड कर लेना है, पिन क्या हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एलाडमिशन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, जो बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से ओपन करना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल बिट मार्क और डबल बिट मार्क है, ठीक है। सिंगल बिट मार्क का मतलब है फर्स्ट इफेक्ट, डबल बिट मार्क का मतलब है सेकंड इफेक्ट। इस तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे जो सॉन्ग है वो म्यूट हो जाएगा, सॉन्ग XML पे नहीं रहता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, आपको सॉन्ग को इजीली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं मटेरियल यूज करूँगा, सभी मटेरियल आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। आपको जो लिरिक्स वीडियो मिलेगा इसको आपको यहाँ पे सबसे पहले ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये लिरिक्स वीडियो आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसका ऑडियो आपको म्यूट कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका ऑडियो म्यूट कर लेना है। म्यूट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। डिस्क्रिप्शन पे आपको टेम्पलेट वीडियो का लिंक मिलेगा, सिंपल से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और आपको यहाँ पे ऐड करना है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको ये वाला वीडियो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद इस वीडियो का ऑडियो आपको म्यूट करना है। म्यूट कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से इस वीडियो को जो लिरिक्स वीडियो इसके नीचे लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है, लाइटन में आने के बाद स्किन कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद जो ये टेम्पलेट वीडियो है इसको सिंपल से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं है, इसको आपको यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करना है। ऊपर जो प्लस है, प्लस पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है। उसके बाद इस वीडियो का एंडिंग पॉइंट पे आना है, ठीक है। इस तरीके से एंडिंग पॉइंट पे आने के बाद प्लस पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना है। उसके बाद फर्स्ट बिट मार्क पे आना है, टेम्पलेट वीडियो का बाकी पार्ट रिमूव कर देना है और टेम्पलेट वीडियो को आपको लिरिक्स वीडियो के नीचे रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिरिक्स दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, आपको फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाना है। फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, सभी वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है, जो आपको सेट वीडियो है वो सबको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको सभी वीडियो को यहाँ पे ऐड करना है बिटमार्क के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, इस सबको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद वीडियो को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, वीडियो का ऑडियो आपको म्यूट कर देना है, नेक्स्ट बिट मार्क पर जाना है, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो का बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, ठीक है। और जो भी वीडियो का पार्ट आपको अच्छा लगे वही पार्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बिट मार्क पर आना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, फिर से आपको यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करना है, इस तरह से वीडियो को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पर जाना है, बाकी पार्ट रिमूव करना है और वीडियो का ऑडियो म्यूट करना है। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है। उसके बाद फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से आपको यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पर जाना है, बाकी पार्ट रिमूव करना है, वीडियो का ऑडियो म्यूट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है और वीडियो का जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे वही पार्ट आप रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बिट मार्क पर जाना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से आपको यहाँ पे इमेज को सॉरी वीडियो को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पर आना है, बाकी पार्ट रिमूव करना है, वीडियो का ऑडियो म्यूट करना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से आपको यहाँ पे वीडियो को ऐड करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पर जाना है, बाकी पार्ट रिमूव करना है, वीडियो का ऑडियो म्यूट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, ठीक है। ये सभी वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप ये सब इजीली डाउनलोड कर सकते हो और जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी को ऐड कर लेना है, देख सकते हो मैंने जैसे ऐड कर लिया। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है,
बैक आने के बाद जो शेक इफेक्ट है शेक इफेक्ट पे जाने। यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑन, इफेक्ट टू और तीन सीसी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इफेक्ट ऑन पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, यहाँ से आपको बैक आना है। बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है, फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाना है। ठीक है, फर्स्ट बिटमार्क यहाँ पे सिंगल बिटमार्क है, तो इस पर आपको जो वीडियो है इसको सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद डबल बिटमार्क है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, डबल बिटमार्क को छोड़ देना है, सिंगल बिटमार्क पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना है, फर्स्ट इफेक्ट है, इसको डबल बिटमार्क को छोड़ देना है। फिर से आपको ऐसे बैक आना है, फिर से आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट पे जाना है, अभी आपको इफेक्ट टू को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, तीनों सीसी को इस तरीके से लेफ्ट पे होल्ड करके सिलेक्ट करना है, ऊपर जो प्लस है प्लस पे क्लिक करके कॉपी थ्री लेयर कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ऊपर जो प्लस दिखाई दे रहा है प्लस पे क्लिक करना है, पेस्ट थ्री लेयर आपको यहाँ पे कर देना है। जो आप देख सकते हो इफेक्ट टोटली चेंज हो गया और ये इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद एरो पे क्लिक करना है, फिर से एरो पे क्लिक करना है, डबल बिटमार्क आ गया, डबल बिटमार्क पे आपने जो इफेक्ट कॉपी किया था इसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से डबल बिटमार्क है, फिर से आपको यहाँ पे इफेक्ट पेस्ट करना है जो सेकंड इफेक्ट आपने कॉपी किया था। उसके बाद डबल बिटमार्क जितना भी वीडियो है सभी वीडियो पे आपको जो इफेक्ट है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, और तीनों सीसी को आपको पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है। तो आप देख सकते हो हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये जो कलर ग्रेडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर ग्रेडिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा टोटली कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो का सभी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।